क्या सागर धनखड़ को इंसाफ अब नहीं मिलेगा? क्या सुशील पहलवान बरी होकर बाहर आ जाएगा? ये सब सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुशील कुमार पहलवान अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिल्ली के मंडोली जेल के बैरक नंबर 15 में है। सुशील कुमार के खिलाफ कोई दिल्ली पुलिस को अहम सबूत नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ अगर उस वीडियो को हटा दिया जाए तो दिल्ली पुलिस के पास अभी ज्यादा सबूत नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी सुशील कुमार पहलवान के वो कपड़े हैं जिसमें वीडियो में साफ साफ मारते हुए दिखाई दे रहा है, हाथ में डंडा लिए हुए। अगर पुलिस को वो कपड़े नहीं मिलते हैं तो पुलिस के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सुशील पहलवान अब जेल में डर रहा है। सुशील पहलवान जेल में जा चुका है। अदालत की तरफ से सुशील पहलवान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आदेश मिल चुका है। वो जेल पहुंच गया है, एक रात गुजार भी चुका है। मंडोली जेल दिल्ली का नया जेल है। कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल सुशील को 15 नंबर में रखा गया है 14 दिनों के लिए, अन्य कैदियों से अलग। सुनवाई के दौरान जेल जाने से डर रहा था सुशील पहलवान, रो रहा था। पहले पुलिस कस्टडी में रो रहा था, अब जेल में रो रहा है। कहने को तो सुशील का बर्ताव इस पूरे मामले में शातिर अपराधी का था, लेकिन जेल का खौफ उसके मन में जिस तरह से दिखाई दिया इसकी उम्मीद तो पुलिस नहीं कर रही थी। जेल सूत्रों का कहना है कि उसने पहली रात अपने बैरक में टहलते करवटे बदलते गुजारी, जैसे राम रहीम के साथ हुआ था। अब आपको बताएं अगर कि जेल में उसकी पहली रात कैसे बीती, किस तरह से वो कभी इधर कभी उधर अपने बैरक में टहलता हुआ दिखाई दे रहा था। तिहाड़ जेल महानिदेशक संदीप गोयल ने इस बात की पुष्टि की है कि ओलंपियन पहलवान सुशील को दिल्ली के मंडोली जेल संख्या 15 में रखा गया। सुशील को अगर कोरोना होता है, उसके लक्षण पाए जाते हैं, तो उसका कोविड टेस्ट होगा पहले। फिलहाल उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अन्य कैदियों से अलग क्वारंटीन सेंटर बनाकर रखा गया है। जब देर रात वो जेल पहुंचा तो सुशील पहले तो जेल का खाना खाने से मना कर दिया। जिस तरह से वो पुलिस कस्टडी में आया था, आपको हमने बताया था कि पुलिस कस्टडी में वो खाना नहीं खाया था, उसने मना कर दिया था। उसका साथी अजय बकरवाला भी नहीं खाया था। ठीक इसी तरह जेल में आने के बाद उसने खाना खाने से मना कर दिया। और आपको याद होगा जब सुशील कुमार पहलवान पहली बार पुलिस कस्टडी में आया था, सबसे पहले उसने यही कहा था कि साहब 3 दिन से भूखा हूँ, खाना दे दो। अब वही सुशील खाना नहीं खा रहा है। हो सकता हो उसे पिज्जा बर्गर इन सब चीजों की आदत लग गई हो, इसलिए जेल का खाना अच्छा नहीं लगता होगा। पहलवान है ना, पहलवान खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें खाना पीना चाहिए। लेकिन सुशील कैसा पहलवान है, उसे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। मन कैसे करेगा साहब, ये तो जेल का खाना है ना। अपने बैरक में कभी चक्कर काटता, कभी करवटे लेता। जेल के सूत्र कह रहे हैं कि जेल पहुंचने पर बहुत डरा हुआ था। और वही पुलिस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि गैंगस्टरों का डर सुशील कुमार को और ज़्यादा डरा रहा है। वो जेल जाने से कतरा रहा था, पुलिस के सामने वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। जेल अधिकारियों का कहना है कि सुशील को तमिलनाडु पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा और उस पर सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे नजर रखी जाएगी। जो जानकारी सामने आ रही है, सुशील को लगता था कि यदि वो बिना चठेड़ी के समझौता करवाया जेल गया तो उस पर जेल में भी हमला हो सकता है। ऐसे में सुशील ने पुलिस अधिकारियों से रिमांड बढ़वाने की गुहार लगवाई थी। लेकिन एक बात हमें नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, आप ही समझाइए। सुशील जेल में जाना नहीं चाहता, पुलिस रिमांड बढ़वाना चाहता था, सुशील कुमार के वकील सुशील कुमार को जेल में भिजवाना चाहते थे। उनका ये कहना था कि जेल में किसी अन्य बैरक में सुरक्षित जगह सुशील कुमार को रख दिया जाए। अब जब आरोपी के वकील जेल भेजना चाह रहे हैं, आरोपी पुलिस रिमांड में रहना चाह रहा है, तो ये बात बड़े सवाल खड़े करती है, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस 10 दिन से इसको पुलिस कस्टडी में रखे हुए है और इसको ले जाके कभी हरिद्वार, कभी पंजाब, कभी भटिंडा, कभी सहारनपुर के रास्ते पंजाब ले गई, तो आखिर दिल्ली पुलिस को सबूत क्यों नहीं मिला? क्या सुशील कुमार पहलवान पेशेवर अपराधी है? इतना बड़ा शातिर आदमी है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो अच्छे अच्छों से सबूत निकलवा लेती है, सुशील पहलवान से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आखिर सबूत क्यों नहीं निकलवा पा रही है? सुशील पहलवान पुलिस को चकमा कैसे दे दे रहा है? सुशील कभी कहता है कि मैंने गंगा में फोन फेंक दिया, कभी कहता है कपड़े मैंने यहाँ डंप कर दिए। एक बड़ा सवाल है कि क्या सुशील पहलवान इतना शातिर अपराधी है जो पुलिस को चकमा दे रहा है? 18 दिनों तक पुलिस उसे खोजती रही और 18वें दिन जब वो पकड़ा गया तो उसे भी नाटकीय ढंग से ही कहा जाएगा। क्या उसे सब कुछ प्लानिंग के तहत उसने किया था? क्या उसे पता था कि अब मुझे
अपने आप को सरेंडर करना है। जो जानकारी सामने आ रही है उससे कहा जा रहा है कि काला जठेड़ी गैंग से उसे अब भी डर है। मतलब काला जठेड़ी गैंग को उसने फोन पर वो वीडियो क्लिप भेजा था, जठेड़ी उसको फोन करके गाली दिया था और उसे देख लेने की धमकी दिया था, ये सब खबरें मीडिया में चल रही थी। तो क्या ये बातें कि वो प्लान के तहत दिल्ली में आया था, ये भी कई सवाल नहीं खड़े करती। लेकिन उन सबसे हटके क्या सागर को इंसाफ मिलेगा? अगर सागर धनखड़ के परिवार का बयान मीडिया में आया तो उनका भी यही कहना था कि हम तो गरीब लोग हैं, अब इंसाफ कैसे मिलेगा? सुशील तो बहुत बड़ा आदमी है, हम लोग गरीब आदमी हैं, सुशील कुमार अपने पैसों के दम पर बच जाएगा। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है, क्या सुशील कुमार पहलवान पर बहुत तेजी से कार्रवाई की बात की जा रही थी, मकोका लगाने की बात की जा रही थी, अब कहाँ गया सब कुछ? आखिर सुशील पहलवान पर मकोका क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अब ये सब बातें अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं कई तरह से। अब देखना अहम होगा दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सबूत इकट्ठा करने में आगे क्या क्या रणनीति अख्तियार करती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम 24 घंटे सुशील पहलवान केस पे नजर गड़ाए हुए हैं और आपको पल पल की रिपोर्ट हम देते रहेंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही हमारा चैनल बीडीएफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की सभी खबरें आपको नोटिफिकेशन के लिए मिलती रहें उसके लिए बेल आइकॉन का बटन भी दबा लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।